अपने मोबाइल को लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करें, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं अपने लैपटॉप के साथ, जिससे कि आपके मोबाइल में जो भी आप देख रहे हैं, कोई फ़ोटोज़ या वीडियोज़ या कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो, उसको आप लैपटॉप में भी देख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वाईफाई को जो है ऑन करना है अपने लैपटॉप में, और अपने लैपटॉप को एक वाईफाई नेटवर्क से बात करें कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमने लैपटॉप को इस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से आपको सर्च करना है, एप्स एंड फीचर्स। तो आपको एप्स एंड फीचर्स का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा, इसमें आपको जाना है और यहाँ से आपको फिर जो है आपके लैपटॉप में जो ऐप्स है वो यहाँ पर शो होगी। लेकिन इसके साथ ऐप्स एंड फीचर्स में एक ऑप्शन है ऑप्शनल फीचर्स का, यहाँ देख सकते हैं। तो आपको इस ऑप्शनल फीचर्स के ऑप्शन पर जाना है, ठीक है। तो ऑप्शनल फीचर्स में यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ ऑप्शनल फीचर्स शो हो गए। इनमें एक ऑप्शनल फीचर है वायरलेस डिस्प्ले का, जो कि यहाँ पर बात करें मैंने इस लैपटॉप में इसको ऐड कर लिया है। अगर आपने ऐड नहीं किया है तो ऐड एंड ऑप्शनल फीचर्स के ऑप्शन में जाकर आप इसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं और इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट करके वायरलेस डिस्प्ले आपको सर्च करना है और फिर इस तरीके से ऐड कर लेना है और इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। तो आपको फिर यहाँ पर ये वायरलेस डिस्प्ले इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है प्रोजेक्शन सेटिंग। तो जब आप इस ऑप्शन पर आएंगे प्रोजेक्शन सेटिंग्स में, तो यहाँ देख सकते हैं प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से जो है कुछ सेटिंग्स यहाँ पर जो है इस लैपटॉप में जैसी है वैसी सेलेक्ट कर लेनी। यहाँ पर फर्स्ट में अवेलेबल एवरीवेयर, और इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट टाइम ओनली, और नीचे नेवर, और उससे नीचे ऑफ़। तो ये सारी सेटिंग्स आपको अपने लैपटॉप में भी जो है यहाँ पर बात करें कर लेनी है। फिर यहाँ से आपको लॉन्च के ऑप्शन पर जाना है, यहाँ देख सकते हैं लॉन्च दी कनेक्ट ऐप। तो यहाँ पर देख सकते हैं HP PC इज़ रेडी फॉर यू टू कनेक्ट वायरलेसली। अब आपको आना है अपने मोबाइल में, और यहाँ से आपको अपने मोबाइल में वाईफाई को ऑन करना है। तो यहाँ से हमने वाईफाई को ऑन कर दिया है। अब आपको आना है यहाँ पर मोर कनेक्शंस के ऑप्शन में, जिसमें आपको एक ऑप्शन शो होगा कास्ट का, वो आपको यहाँ ऊपर भी मिल जाएगा अपने मोबाइल में। तो यहाँ से आपको आना है कास्ट के ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी आपकी डिवाइस, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। लेकिन आपके फ़ोन में वायरलेस डिस्प्ले ऑन होना चाहिए। तो यहाँ से आपको अपने लैपटॉप को सेलेक्ट कर लेना है, और अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा आ रहा है कनेक्टिंग, और यहाँ से अब आपके मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो जाएगी आपके लैपटॉप में। यहाँ देख सकते हैं जो भी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर शो हो रहा है वही आपके लैपटॉप में भी शो हो रहा है साथ साथ में। तो आप जो भी ऐप यूज़ करेंगे अपने मोबाइल में, या कोई फ़ोटोज़ या वीडियोस देखेंगे, तो वो आपको अपने लैपटॉप में भी शो होगी, ठीक है, इस वायरलेस डिस्प्ले की हेल्प से।